राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने चुनावी साल में पंचायती राज संगठन को मजबूत करने के टिप्स पदाधिकारियों को दिए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चुनावी साल में कार्यशाला में लिए गए निर्णयों को प्रदेश के हर जिले में पहुँचाने का काम संगठन द्वारा करने की बात कही है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा पिछले 3 सालों में हम हर जिले में 2 दिन की कार्यशाला करते हैं और उसमें हम संविधान 73वें 74वें संविधान संशोधन, पंचायतों के हक, ग्राम सभा के हक, इन सारे मुद्दों पर काम करते हैं। आर्थिक तौर पर जो एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है और वर्तमान में जो हम एक केंद्रीकृत व्यवस्था देखते हैं, इन सब के विषय में भी बात करते हैं। तो चुनाव के मद्देनज़र मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला इसलिए रखी गई कि इस कार्यशाला में कुछ नए साथियों को जोड़ा जाए। उसके लिए पहले हमारे साथी जिलों में गए और उन्होंने अलग अलग स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम सिलसिलेवार चलाया और उससे लौटकर आने के बाद ये राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई। इससे लौटते समय उनको वापस जाकर अपने ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर फिर से कार्यशालाओं की तैयारी करनी है, ताकि हम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा जिन 3 मुख्य मुद्दों को लेकर चली थी, आर्थिक तौर पर, सामाजिक सौहार्द के तौर पर और राजनीतिक तौर पर, आज हम जिस तरह की सभी स्वायत्त संस्थाओं पर हमला देखते हैं, उनके अधिकारों का हनन देखते हैं, उन सब के विषय पर लोगों से बातचीत कर सके। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।